नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा कि उनकी वालदा को पेंशन मिलती है और हम बहन भाई उनको वालदा नहीं देती, तो क्या उसमें विरासत जारी होगी और उसमें हमारा हक है या सिर्फ वालदा का वह हक है? वो एक पैसा भी नहीं देती, ना घर पर खर्च करती है, हम अगरचे खर्चे पर पूरे करना मुश्किल है, तो शरीयत क्या कहती है? याद रखिएगा, ये जो पेंशन मिलती है जिसके नाम पर मिलती है वो उसी का वो है, वो एक किस्म का गिफ्ट है, एक किस्म का तोहफा है, एक किस्म का अतिया है, एक किस्म की इमदाद है, एक किस्म का तआवुन है कि जो मरने वाला है उसने जिसका नाम दिया उसी के साथ वो तआवुन करेगी, गवर्नमेंट या इदारे की तरफ से है या गवर्नमेंट की तरफ से है, उसी का है वो। अगर वो खर्च करे औलाद पर तो ठीक है, ना करे तो उस पर विरासत का हुक्म जारी नहीं होगा, उसमें कोई और हकदार नहीं होगा, उसमें किसी का कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो अपनी खुशी से जिसको देना चाहे तो ठीक है, ना देना चाहे तो कोई उसमें विरासत नहीं, कोई हकदार नहीं। मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहने इस पैगाम को खुद भी सुनेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे।